कोरोना वायरस का असर अब बॉलीवुड में भी दिखने लगा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राजधानी स्थित सभी सिनेमा घरों को एहतियातन तौर पर 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजों को भी 31 मार्च तक बंद करने की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और शीर्ष सरकारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला किया। केजरीवाल ने कहा, सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मद्देनजर राष्ट्रपति भवन को भी एहतियाती तौर पर आम जनता के लिए बंद किया जा रहा है। आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति भवन अगले आदेश तक शुक्रवार से आम जनता के लिए बंद रहेगा। प्रवक्ता ने कहा, इसके अलावा राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और चेंज ऑफ द गार्ड सेरेमनी भी अगले आदेश तक बंद रहेगी। उधर हरियाणा सरकार ने भी कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 को हरियाणा में महामारी घोषित कर दिया गया है। किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में 270 से अधिक पृथक वार्ड बनाए गए हैं, जहां 1206 बिस्तरों की व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा लोकसभा में बीजू जनता दल सदस्य पिनाकी मिश्रा ने मांग की है कि देश दुनिया में कोरोना वायरस फैलने के मद्देनजर संसद भवन परिसर में भी थर्मल इमेजिंग उपकरण स्थापित किया जाए। लोकसभा में कोरोना वायरस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के जवाब के दौरान बीजू जनता दल सदस्य ने कहा, ईरान में कई सांसद जांच में कोरोना वायरस के सकारात्मक पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृपया संसद में भी थर्मल इमेजिंग स्थापित किया जाए। तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। एक के बाद एक स्वास्थ्य और विमानन मंत्रालय ने कई नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इसके अमल में आते ही भारत अगले एक महीने तक पूरी दुनिया से खुद को अलग थलग कर लेगा। इसका मतलब साफ है कि भारत मैन टू मैन कॉन्टैक्ट के जरिए फैले वायरस पर कंट्रोल करना चाहता है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।